पहले निकाह, फिर तलाक, फिर हलाला, मीना कुमारी की बेनकाब शादी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। दरअसल जिस क्लिनिक में मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी, वहां पिता अली बख्श रोज मीना कुमारी को रात 8 बजे उनकी बहन मधु के साथ छोड़ देते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान मीना का निकाह प्लान किया गया था। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। निकाह या भूल, कमाल और मीना की इस शादी को दोनों के ही परिवार वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया। आखिरकार इससे तंग आकर कमाल ने मीना को खत लिख दिया कि वे इस शादी को एक हादसा मान ले। जवाब में मीना कुमारी ने कहा कि वे उन्हें कभी नहीं समझ पाए, ना आगे समझ पाएंगे। अच्छा होगा कि वे उन्हें तलाक दे दें। बाद में मीना ने कमाल से इस खत के लिए माफी मांग ली। इस तरह मीना की ससुराल में एंट्री हुई, लेकिन मीना की शोहरत देखकर कमाल उनसे बेहद जलने लगे थे। तलाक, 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 ऐसी एक जलन दोनों के तलाक की वजह बन गई थी। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही को बुलवाया। किसी से परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, और ये हैं इनके पति कमाल अमरोही। इस बात पर कमाल अमरोही ने गुस्से से तमतमाते हुए सोहराब मोदी को तपाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूँ, इनका शौहर, और ये मेरी बीवी हैं मीना कुमारी। और फंक्शन से बाहर निकलते हुए कमाल ने मीना को यह कह दिया, तलाक, तलाक, तलाक। और इसी के साथ मीना कुमारी का तलाक हो गया। मीना कुमारी का हलाला। तलाक के 2 महीने बाद अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इस्लाम के मुताबिक तलाक देने के बाद मीना कुमारी उनकी पत्नी नहीं थी। दोबारा बेगम बनने के लिए मीना कुमारी का हलाला होना जरूरी था। तब कमाल अमरोही के मन में दोबारा निकाह का ख्याल आया और उन्होंने अपने दोस्त अमान उल्लाह खान के साथ, जो कि एक्ट्रेस जीनत अमान के पिता थे, से इस शर्त पर निकाह करवाया कि कभी वो मीना के साथ रिश्ते स्थापित नहीं करेंगे। इसके 1 महीने बाद जब मीना ने अमानुल्लाह से तलाक लिया, तो उसके बाद कहीं जाकर मीना कुमारी और कमाल का दोबारा निकाह हो पाया। हलाला की तकलीफ मीना कुमारी को जिंदगी भर कचोटती रही। इस किस्से का जिक्र मीना कुमारी की बायोग्राफी में किया गया है। उसमें लिखा है, ये कौन सी जिंदगी है कि मजहब के नाम पे मुझे अपने जिस्म को सौंपना पड़ा। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझ में और वेश्याओं में क्या फर्क है। कहते हैं निजी जिंदगी से परेशान मीना कुमारी को बाद में शराब की लत लग गई और उनका लीवर खराब हो गया, जिसके बाद 1972 में महज 38 साल की उम्र में एक्ट्रेस का निधन हो गया। मीना कुमारी से जुड़े इस बेनकाब किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।